Hello Vicho let's read the question The question says the predator prey relationship is the interaction between two species and their consequent effect on each other in this relationship the predator species feeds on the other species which is called as the Prey species over here. Now, prey may be plant or an animal, and therefore, predator is either a herbivore or a carnivore, respectively. Some examples of predator and prey relationship are lion and zebra, bear and fish, fox and rabbit, bear and berry rabbit and lettuce grasshopper and leaf predator and prey share the same environment and therefore they tend to evolve together to ensure they get to eat and survive the predators have evolved various means like speed stealth camouflage and a good sense of smell sight or hearing immunity to the prey's poison and produce poison to kill the prey in turn the prey to have evolved adaptations that ensure that their safety and protection is there some of these are adaptive features are speed uh, camouflage a good sense of smell sight or hearing thorns poison to spray when approached or bitten example of this can be camouflage in the snowy environment the polar bear is white to avoid being noticed another example is the galapagos tortoise which feeds on the branches of the cactus plant that also grows in the galapagos island on the island where long-necked tortoises live

प्रे रिलेशनशिप इनमें से कौन से ऑप्शन में करेक्टली डिस्क्राइब है बियर एंड लेटस रेबिट एंड लीफ ग्रास ऑपर एंड कैक्टस सो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट ओवर दियोर द की कॉन्सेप्ट ओवर ह्योर विल बी प्रेडिटर प्रे रिलेशनशिप किसी भी एनवायरमेंट में या किसी भी इकोसिस्टम में देर इज़ इंटर डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं वो फिर बायोटिक फैक्टर हो या इन ए बायोटिक फैक्टर हो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट का सो दे इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर वेरियस थिंग्स लाइक दे कैन डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर शेल्टर फॉर फूड एज वेल राइट अब यहाँ पे हम प्रेडिटर और ट्रे की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म

एंड फिश है सो so, इस केस में जो बैर है वो प्रेडिटर है एंड द फिश इज गोइंग टू बी द प्रे ये दोनों साथ में ही रहते हैं एक ही इन्वायरमेंट में राइट सो दे आर गोइंग टू इवॉल्व टूगेदर एज वेल इवोल्व भी करेंगे कुछ ऐसे फीचर्स भी डेवलप करेंगे अनदर एग्जाम्पल कैन बी गेल पैगोज आइलैंड टर्टल एंड द कैक्टस प्लांट दैट इज गोइंग ग्रोइंग दैट सो देव ऑल्सो इवोल्व टूगेदर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व तो प्रेडिटर कोशिश करता है दैट दैट इट नीड्स फूड राइट इट नीड्स रिक्वायरमेंट इट हैज फूड रिक्वायरमेंट तो फूड को प्राप्त करने के लिए दे कैन डेवलप सम ऑफ द फीचर्स ऑन दी अदर हैंड प्रे ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ तो वो भी फिर अपने अंदर कुछ अडेप्टन लेकर आते हैं जिससे कि वो इस एनवाइट में सेफ रह सके राइट सो दीज आर सम क्रेडिट प्रे रिलेशनशिप दैट कैन हैपन नाउ इन द लाइट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट लेट्स ट्राई टू रीड द क्वेश्चन वंस अगेन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दैट इन में से कौन सा प्रेडिटर प्रे रिलेशनशिप एग्जैक्टली एग्जिबिट करता है तो क्या बेअर एंड लेटस होगा बिल्कुल नहीं क्योंकि बेअर और लेटस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं रैबिट एंड लीफ नहीं इसका आंसर रैबिट एंड लीफ नहीं होगा बिकॉज रैबिट डिपेंड्स अपॉन लेटस एंड ग्रास ऑपर एंड बेरी होगा क्या दैट विल ऑल्सो भी रॉन्ग बिकॉज ग्रास ऑपर डिपेंड्स ऑन लीव फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट्स तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट दैट गैलोपेगोस्टॉर्ट टॉइज एंड कैक्टर्स दे फीड अपॉन ईच अदर So option D is the final answer. I hope you understood well. Best of luck.